हेलो माय लवली व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई एम नीलू एंड यू आर वाचिंग तड़का विद स्टाइल। सो गाइस, आज की रेसिपी जो है वो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। वह है नवरात्रा स्पेशल डोसा रेसिपी। जी हाँ, आज हम आपके लिए लाए हैं व्रत में खाने वाला टेस्टी टेस्टी डोसा, ताकि व्रत भी हो जाए और लगे भी ना कि हम कोई चीज मिस कर रहे हैं। तो हमने इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वह सभी व्रत में यूज करने वाले हैं, तो आप बिना कुछ विचार किए आराम से टेस्टी डोसा बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है एक कटोरी सामा का चावल, जिसे व्रत के चावल भी कहते हैं, तो ये हम हमारे बोल में डालेंगे। देन वी हैव हियर एक कटोरी दाल मखाने, तो ये व्रत में दोनों ही चीज बहुत ही यूज की जाती है और बहुत ही पौष्टिक भी होती है। अब हम इसमें डालेंगे सेंधा नमक, क्विकली हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, हमारा चॉप्ड कोरिएंडर एंड जिंजर यानी अदरक। अब हमें क्या करना है गाइस, इसका बैटर बनाने के लिए 20 मिनट के लिए इसे पानी में भिगोकर रखना है। तो चलिए वेट करते हैं 20 मिनट्स का। सो देखिए फ्रेंड, जैसे कि हम दाल चावल डोसा बनाने के लिए भिगो के रखते हैं ना, उसी तरह हमने इसको भिगो के रख दिया। तो भीगने से क्या होगा, हमारे जो दाल मखाने हैं, सामा के चावल हैं, वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे और बिना किसी प्रॉब्लम के मिक्सर में पिस जाएंगे। और दाल मखाने हमने इसलिए लिए गाइस, ताकि इससे हमारा जो डोसा होता है ना, वो पौष्टिक होने के साथ साथ क्रिस्पी भी बनेगा। तो चलिए इसका बारीक पेस्ट बनाते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, 20 मिनट हमने इसको भिगोने के बाद ही हमारा बैटर इतना अच्छा उसमें पिस गया है, क्योंकि वो दोनों सॉफ्ट हो गए थे, हमारे दाल मखाने और सामा के चावल। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, मैं आपको जूम करके बताती हूँ, बहुत ज्यादा इसको पतला नहीं रखना है। तो ये देखिए, अब चलिए हमने ये यहाँ पर डोसा बनाने वाला तवा, इसको गर्म कर लिया है, इसको अच्छा गर्म करना है। और अभी इस पर घी तेल जो भी आप खाते हैं उसको नहीं लगाना है, अगर हम लगा लेंगे तो हमारे डोसा अच्छे से फैलेगा नहीं। तो चलिए हम ये बैटर इस पर डालते हैं और लेट्स वेट। इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे चॉप्ड कोरिएंडर, उसको थोड़ा सा पैक कर देंगे ताकि चिपक जाए। अब इसका फंडा ये है, आपको इसको अच्छे से सिकने के बाद ही टच करना है, तो मीडियम लो फ्लेम पर इसको अच्छे से पकाना है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा घी डाल रहे हैं, ताकि हमारा डोसा, इस स्टेज पे आपको घी डालना है एक मिनट सिकने के बाद, और नीचे तो बिल्कुल नहीं डालना है, नहीं तो हमारा डोसा अच्छे से फैलेगा नहीं। तो घी से अच्छा सा सिक जाएगा, अब वेट करते हैं और फिर इसे टर्न करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अच्छे से सिकने के बाद ही अपने आप ऊपर उठने लगेगा, तो हम इसे अब केयरफुली टर्न करेंगे। तो जूम देखिए, जूम करके बताती हूँ कितनी अच्छी डोसे की क्रिस्पीनेस इसमें आ गई है, क्योंकि हमने दाल मखाने डाले थे उससे क्रिस्प हो गया है, और चावल से इसका कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी आई है। तो जरूर से ट्राई करिएगा इसको। व्रत के चावल यानी सामा के चावल और दाल मखाने से बनने वाला ये डोसा कंप्लीट है। तो चलते हैं इसकी प्लेटिंग की तरफ। सो फ्रेंड्स देखिए, कितनी सुंदर हमारी प्लेटिंग लग रही है, और ये हमने व्रत वाली कोकोनट चटनी बनाई है। तो इसकी रेसिपी का लिंक हम इसमें डाल देंगे, ये हम अपलोड कर चुके हैं। एंड ये है हमारा व्रत वाला डोसा, तो दिख रहा है ना आपको कितना क्रिस्पी ये नजर आ रहा है। तो जरूर से ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, टिल देन खुश रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, एंड याद रखिएगा, लाइफ इज ब्यूटिफुल।